अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आई नो बहुत सारी लड़कियों की जो लाइफ है उसको बहुत इजी बनाने वाली है, क्योंकि हम बहुत परेशान होते हैं अपनी हेयर ग्रोथ से। ठीक है, हमें हर 15, जिनको बहुत ज़्यादा मसला होता है हेयर ग्रोथ का, उनका तो मैंने सुना है कि हर 15 डेज बाद जो है उनको सैलून जाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर वैक्सिंग करवाओ पूरे, और यू नो टाइम पहले अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट मिले ना मिले, फिर वहाँ पे घंटों बैठ के वैक्सिंग करवाओ, टाइम निकालो। तो अब इन सारे झंझटों से दूर आप खुद घर बैठे ईजिली, बहुत ईजिली कोई वैक्स घर पे बैठे, मतलब जिसने कभी पहले कभी वैक्स नहीं की भी होगी ना, वो भी घर बैठे अब वैक्स कर सकता है बहुत इजीली। कैसे कर सकता है तो चलिए डिटेल्स देखते हैं। जो है ये पैकेज रिसीव हुआ था बाय सैलून डिजाइनर्स की तरफ से, ठीक है, दे आर काइंड इनफ टू सेंड दिस अमेजिंग पैकेज ऑन माय वे। इस पैकेज को रिव्यू देने के लिए एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आई नो कि बहुत सारी लड़कियों की प्रॉब्लम जो है इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह सॉल्व होने वाली है। चीज़ें होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं लेकिन हमें उनके बारे में आइडिया नहीं होता, या कभी हमारी नज़रों से गुजरी नहीं होती, या शायद कभी गुजरी हो तो हमें उसका रिव्यू नहीं मिला होता जिसकी वजह से हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो जी हाँ, आज मेरे साथ भी यही था, मेरी नज़रों से तो ये चीज़ काफ़ी दफ़ा गुजरी थी और मैंने सुना भी था लेकिन मैं कभी ध्यान नहीं दिया कि यार ये भी कोई प्रोडक्ट है और उसको भी हम इतने इजीली यूज कर सकते हैं, ये लाइफ को इतना इजी बना सकती है। तो देखते हैं कि सैलून डिजाइनर्स ने आज हमें क्या सेंड किया है। तो इन्होंने हमें पहले जी सेंड किया है ये डेपिलेटरी रोल ऑन वैक्स हीटर, ठीक है, दिस इज द वैक्स हीटर। येस, यू हर्ड इट राइट, ये छोटू सा वैक्स हीटर है, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, जो कि पोर्टेबल वैक्स हीटर है। आप इसको, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, ठीक है, इजीली आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो आप इसको साथ लेके जा सकते हो, क्योंकि लाइफ को ना आसान करना चाहिए, ना कि हम सैलून्स जाके बैठें घंटों और वैक्सिंग कराएं या घर बुला के वैक्सिंग करें, खुद कर लो अपना काम, इंसान को खुद करना चाहिए। ये देखिए, ये वैक्स हीटर है, ये इसकी लेड है, ठीक है, यहाँ ओपन होने में यहाँ आप रखोगे वैक्स बा, वैक्स रोल ऑन, ठीक है, यहाँ पे वैक्स रोल ऑन रखोगे, ये इसका केबल है, यहाँ से अटैच होगा और डायरेक्ट आप इसको प्लग इन करोगे। टू मिराकी प्रोफेशनल वैक्स रेंज, ठीक है, ये रोल ऑन्स हैं जो कि हम डालेंगे वैक्स हीटर। ये देखिए, दो रोल ऑन वैक्सेस इन्होंने मुझे भेजी हैं जो कि इस तरह की होती हैं। आप इसको क्या करते हो, आप इसको यहाँ पे हीटर के अंदर फिक्स इन कर देते हो यूं, ठीक है, अभी हम करेंगे पूरा प्रोसीजर तो आपको देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ से ही खुलेगा और ये यहाँ से आप देख सकते हो ये सील ओपन है, सील्ड है, हम इसको खोलेंगे। वैक्स स्ट्रिप्स, ठीक है, वैक्स स्ट्रिप्स भी साथ है, ये पूरा पैक आपको मिलता है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, आप वहां से इजीली जाके ले सकते हो। अभी ये मिलता है आफ्टर पोस्ट वैक्स ऑयल, आर्गन ऑयल, ठीक है, ये दी बेस्ट है, ये मैं ऑलरेडी पहले एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। इससे जो आप देखते हो यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख रहे होगे जो शाइन आती है बॉडी पे आफ्टर डूइंग वैक्सिंग, वो इस ऑयल की वजह से आती है, मज़ेदार सी शाइन। तो थैंक यू सैलून डिज़ाइनर फॉर सेंडिंग दिस अमेजिंग थिंग्स ऑन माई वे। तो अभी मैं आपको पूरा डिटेल रिव्यू देती हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर के जी। तो ये है वैक्स हीटर, इस पे जो है मैंने यहाँ पे जो है इसके केबल अटैच होती है, ये केबल इसके साथ दी हुई है, इसको मैं अटैच कर लेती हूँ। आपने जो सबसे मज़े की बात पता है क्या, ये मेस फ्री है, इसमें कोई मेस नहीं है, वैक्स गिरेगी नहीं इधर उधर, बहुत इजीली लगेगी, और आप देख सकते हो अभी आप देखोगे कि कितना स्मूथली जो है वो वैक्स होगी। यहाँ पे इसके आप डालोगे वैक्स रोल ऑन, ठीक है, ये देखिए ये वैक्स रोल ऑन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक हो गया, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। यहाँ से आपने वैक्स का लिड जो है वो रिमूव करना है, यहाँ पे इसके आती है सील, वो सील ओपन करनी है फॉर नो, ठीक है, और ये देखिए ये आपको नजर आ रही होगी इसकी लाइट, ये ऑन हो चुकी है, इसका मतलब अब जो है हीटर इज ऑन, मैंने प्लग इन किया और हीटर जो है वो ऑन हो गया और मैंने वैक्स रोल ऑन इसमें डाल दिया। नाउ वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आई डोंट नो आप देख सकते हो कि नहीं, मेरे बाल जो हैं बहुत बहुत छोटे हैं, बस मैक्सिमम इतने ही निकलते हैं,
लेट मी शो यू, आई होप कि आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, ये मेरे बालों की ग्रोथ है, ठीक है। दिस इज़ द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ माय हेयर। तो मैं इन्हीं पे आपको वैक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी हो जाती है, तो आज हम इसको वैक्स करके देखते हैं। ओके जी, जब तक वैक्स हीटर गर्म हो रहा है आपने तकरीबन वेट करना है 10 to 15 मिनट्स ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। ये हमारे पास वैक्स स्ट्रिप्स का पैक है जिसमें हमारे पास होते हैं 100 पीसेस, काफ़ी होते हैं, मोर देन इनफ है आई थिंक। सो इतने में तो आपकी इजीली वैक्स हो जाती है। हो चुके ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। एक और बेस्ट पार्ट मैं इस हीटर का आपको बताती चलूँ कि हीटर रोल ऑन बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, अंदर से वो मेल्ट हो चुकी है वैक्स, वो इजीली आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जो हेड हेयर रोल ऑन वैक्स का, वो गर्म नहीं होता, तो इसकी वजह से आपका हाथ बिल्कुल नहीं जलता। दिस इज द बेस्ट पॉइंट एंड हैसल फ्री है, टाइम आपका सेव करती है, मेस फ्री है, क्विक है, और क्या चाहिए, पोर्टेबल है। थोड़ा सा आप पाउडर जो है लगा लो, उससे ये होगा कि आपको पेन जो है कम होगा। मैं यहाँ पे पाउडर ले रही हूँ और मैं जो हूँ ना अपने हाथों पे लगा लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि उससे ये होता है कि पेन कम होता है हाथों पे। मैं वो बंदी हूँ जो वैक्स कभी नहीं करती, तो इसीलिए मुझे पेन थोड़ा ज़्यादा शायद हो। वैसे ये देखिए, तो पाउडर मस्त लगाइएगा, उससे ये है एक टिप है ये कि पेन जो है वो कम होता है। सो लग गया है वैक्स हीटर को रखे हुए, मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं। सो लेट्स सी, देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है कि नहीं, वेट। ये वैक्स जो है ना मैंने अप्लाई किया, एक्चुअली ये वाइट कलर की है, शायद इतना विजिबल ना हो, लेकिन अप्लाई हो गई है। ये वैक्स स्ट्रिप है, इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करने लग गई हूँ और इसको मैं, और ये देखिए, ठीक है, पेनलेस है, ज़्यादा पेनफुल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द हेयर ग्रोथ आपकी कितनी है, लेंथ क्या है। और ये देखिए, दीज आर द रिजल्ट्स, ईजी टू अप्लाई। इसी तरह बस आपने करते जाना है, पाउडर आपने लगाते जाना है, पाउडर आपने लगाते जाना है ताकि पेन जो है वो कम हो। अगर आपकी ग्रोथ ज़्यादा है तो पाउडर मस्त लगाइएगा, उससे ये है एक टिप है ये कि पेन जो है वो कम होता है। ये देखिए और ये देखिए, जस्ट लुक एट द रिजल्ट, लुक। ये देखिए, मैं आपको करीब से भी दिखा दूं, जी। तो जब वैक्स हीटर बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है तो आप देख सकते हो कि फिर वैक्स अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी स्मूथली अप्लाई हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, ये देखना अभी, बल्कि यहाँ पे जो बाल हैं वो क्यों ना निकाले जाएं, यहाँ पे भी काफ़ी बाल हैं, तो लेट्स डू इट। देखिए कितने आराम से स्मूथली लग रही है ये,
कोई मेस नहीं, कुछ नहीं, बस लगे जा रही है। सो वैक्स करने के बाद आपने अपना हाथ जो है ना वॉश कर लेना है, या कॉटन पैड को ना वेट करके तो आपने अच्छे से जितने भी रिमेनिंग वैक्स है उसको क्लीन कर लेना है। और आपको ये डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वैक्स बिल्कुल भी गर्म नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजीली हो जाता है। और ये देखिए अभी मैंने सारा अपना हाथ क्लियर कर लिया है, क्लीन कर लिया है। सूदिंग इफेक्ट के लिए, शाइनिंग इफेक्ट के लिए आपने लगाना है पोस्ट वैक्स ऑयल, ठीक है। इस पोस्ट वैक्स ऑयल से क्या होगा, अगर आपकी जो वैक्स थोड़ी बहुत रहते हैं कुछ पैचेस और वो नहीं रिमूव हो रहे, वो ये भी रिमूव कर देगा। वैक्स नरम करके ऑयल जो है वैक्स आपके हाथ साफ कर देगा और शाइन भी प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं इसके, इस हाथ पे ले लेते हैं। देगा जो आपको वैक्सिंग की वजह से बर्निंग सेंसेशन जो आता है, बर्निंग सेंसेशन जो आता है वो उसको सूद करेगा। ये देखिए आर्गन ऑयल की जो स्मेल होती है ना, फ्रेग्रेंस होती है, वो बहुत जबरदस्त होती है। ये देखिए यहाँ पे ये पैच मेरा रिमूव नहीं हो रहा था, ये देखिए ऑयल लगाने की वजह से सॉफ्ट हो गया और रिमूव हो गया। ये देखिए मेरे दोनों हाथ में, आप लोग खुद डिफरेंस देखिए कि ये कैसा है और ये कैसा है। तभी इंशाल्लाह वीडियो बंद होने के बाद मैं इस हाथ को भी वैक्स करूंगी ताकि दोनों सिमिलर लगना शुरू हो जाएं। और मेरी तरफ से तो ये रोल ऑन 110% रिकमेंडेड है। रोल ऑन का जो हेड है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वैक्स ठंडी हो तो हम अप्लाई करें, बस वैक्स हीटर गर्म हो जाए जैसे ही 15 मिनट्स बाद आपने वैक्स अप्लाई करना शुरू कर देनी है। बहुत इजी है, बहुत क्विक है, आई मस्ट से कि टाइम सेविंग है, आई मस्ट से कि ये टाइम सेव करता है, मेस फ्री है, हैसल फ्री है, एंड द बेस्ट पार्ट इज पोर्टेबल है, यू गैस कैन कैरी इट वेयर एवर यू आर गोइंग विद योर सेल्फ। तो बेस्ट बेस्ट दी बेस्ट है, मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड है। स्पेशली जो ये इसका जो आफ्टर पोस्ट वैक्स ऑयल है ये तो अमेजिंग है। किस तरह से इसने मेरा जो रिमेनिंग वैक्स था जो पानी से भी नहीं उतर रहा था वो इसने उतार दिया, और कितनी ज़बरदस्त जो है ये शाइन लेकर आया मेरे हाथ में। सो आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ की, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो कर ही सकते हैं। सो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ पे वैरायटी ऑफ वैक्स रोल ऑन्स है, हर फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है, बहुत ढेर सारे वैरायटी ऑफ ऑयल्स, पोस्ट वैक्स ऑयल अवेलेबल हैं। सो और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, वेरी अफोर्डेबल, बहुत अमेजिंग। सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर, अभी जाइए अभी बाय कीजिए और अपनी लाइफ को इजी बनाइए, टाइम सेव कीजिए। होपफुली आपको वीडियोस अच्छी लग रही, वीडियोस बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना, टाइम निकालना इज नॉट एन इजी टास्क गाइस। सो प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, वीडियो पसंद आए सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।